हेलो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का मैथ एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.2। ध्यान दें बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके लिए शून्यकों का योग अथवा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई है। ध्यान देंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जो होता है बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, दिया बच्चों द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही काम का चीज़ है। तब इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, उम्मीद है बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन रीड करो एक बार और इसको क्वेश्चन को डील करते हैं, बनाते हैं आराम से। ओके, ध्यान है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके लिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग बोले तो हम लोग होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों मान क्रमशः दी गई है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं बच्चों, जो पलका है जो क्रमशः दिया है, यानी पहले नंबर में दे दिया है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा बच्चों, 1/4। ओके, फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या दिया बच्चों, गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया बच्चों, माइनस का वन। लिखेंगे सूत्र से, लिखेंगे बच्चों सूत्र से। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है हम लोग का सूत्र। अब इसमें मान पुट करेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान पुट करेंगे, मान आराम से आ जाएगा। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बच्चों, 1/4। कितना, 1/4 इंटू क्या बच्चों, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस का वन। ध्यान देंगे क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर इसको गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा एक्स बच्चों 1, और एक्स में गुणा करते क्या आएगा, 1x या एक्स अपन में 4। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कर देते बच्चों, बाटा में 1 लगा लेंगे, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, 1। एलसीएम निकालेंगे, क्या एलसीएम कितना है हम लोग का, 4। भगाएंगे 4 मत में तो हम लोग का आएगा 4x स्क्वायर। एक मत में तो बच्चों x, फिर 4 मत में तो 4। हमको बहुपद ज्ञात करना है, इक्वल टू में क्या लगा लेंगे बच्चों, 0, इक्वल टू में 0। और यहाँ पर बाटा में क्या करेंगे, 1 लगा के क्रॉस गुणा कर देंगे आराम से। तो आएगा हम लोग का 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। आज 0 में 4 से गुणा कर देंगे, क्या आएगा बच्चों, 0। ध्यान देंगे, 0 और 4 में गुणा करेंगे तो हम लोग आएगा 0। चूंकि हमको बहुपद ज्ञात करना है, क्या बहुपद ज्ञात करना है, तो इक्वल टू में 0 वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता है, इसीलिए हम लोग 0 को मिटा देंगे और ये हम लोग हो जाएगा बच्चों आंसर। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, बहुपद में इक्वल टू के बाद कुछ नहीं होता है, ये हो गया हम लोग का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी दे दिया बच्चों शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। जो पहले क्या होता है, शून्यकों का योगफल है और दूसरा का क्या बच्चों, गुणनफल है। तो होगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है रूट अंडर टू। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1/3 बच्चों, 1/3। सूत्र ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग होता है बच्चों द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। मान को पुट करते बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, रूट अंडर टू है अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या बच्चों, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, 1/3। बाटा में 1 लगा लेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे, 3 और 1 एलसीएम कितना आएगा हम लोग का, 3 आएगा। भगाएंगे 3 बट में तो 3x स्क्वायर, यहाँ पर भी हम लोग का आएगा
थ्री या रूट अंडर टू एक्स हो जाएगा बच्चों प्लस का वन इक्वल टू हम लोग क्या लगाएंगे जीरो, इक्वल टू में जीरो लगा लेंगे बच्चों। अब बटम क्या एक, अब क्या करेंगे क्रॉस गुणा, क्रॉस गुणा इतना में एक से इतना में गुणा करेंगे तो हम लोग को इतना ही आ जाएगा आराम से थ्री एक्स स्क्वायर रूट थ्री या रूट टू आएगा बच्चों एक्स प्लस का वन, और तीन में जीरो से गुणा करें तो कितना आएगा बच्चों जीरो, क्या आएगा हम लोग का जीरो। तो हम लोग को बहुपद याद करना है क्या बहुपद, तो जीरो को हटा लेंगे हम लोग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री रूट टू एक्स आएगा प्लस का वन, ये हम लोग हो जाएगा बच्चों बहुपद, ये हो गया हम लोग का बहुपद। चूंकि इक्वल टू में जीरो नहीं होगा क्योंकि हम लोग का बहुपद ज्ञात करना है, अगर इक्वल टू में जीरो रहता तो क्या हो जाता है हम लोग का समीकरण हो जाएगा, क्या समीकरण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं बच्चों, फिर इसमें भी शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दे दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा जीरो, अल्फा इंटू बीटा कितने दे बच्चों रूट अंडर थ्री, रूट अंडर थ्री सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान जीरो है और अल्फा इंटू बीटा का मान रूट अंडर थ्री है, रूट अंडर थ्री है, मान को पुट करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर, चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान जीरो इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है रूट अंडर थ्री, रूट अंडर थ्री। चलिए बच्चों जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करें तो क्या आएगा हम लोग का जीरो, कोई भी चीज़ हो तो हम लोग आएगा बच्चों यहाँ पर जीरो प्लस रूट थ्री, जीरो को हटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर अमांस का रूट थ्री, ये हम लोग हो गया इसका बहुपद, ये क्या हो गया बच्चों इसका बहुपद। चलिए और तीनों क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। ओके दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार, चार पाँच और छः, इसमें भी वही ज्ञात करना बच्चों, शून्यंकों को योगफल दिया है और गुणफल भी दिया है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ये होगा हम लोग का पहला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योगफल कितना वन, फिर कमा अल्फा इंटू बीटा, क्या बच्चों अल्फा इंटू बीटा कितना है वन, कितना बच्चों वन। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों वन, कितना है वन, तो यहाँ पर लिखेंगे वन इंटू में एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चों यहाँ पर भी वन, कितना बच्चों वन, तो यहाँ पर भी लिखेंगे वन। ओके एक्स स्क्वायर वन में और एक्स में गुणा करें तो वन एक्स या एक्स, वन एक्स या एक्स प्लस का क्या बच्चों वन, द्विघात बहुपद याद करना था हम लोग का, आ गया द्विघात बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच, ये होगा अल्फा प्लस बिट्टा, अल्फा प्लस बिट्टा मांस वन बाई फोर, मांस का वन बाई फोर और प्लस हम लोग का अल्फा इंटू बिट्टा क्या बच्चों वन बाई फोर, क्या है वन बाई फोर, द्विघात बहुपद याद करना है तो लिखेंगे सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बिट्टा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान पुट करते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान वन बाई फोर और अल्फा इंटू बीटा का मान वन बाई फोर, ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन बाई क्या लिखेंगे बच्चों फोर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है वन बाई फोर, तो माइनस वन बाई फोर इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बच्चों वन बाई फोर, वन बाई फोर माइनस माइनस क्या होगा सबसे पहले प्लस, प्लस वन में एक्स से गुणा तो एक्स अपन में फोर वन बाई फोर, एलसीएम निकालेंगे क्या बच्चों एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा हम लोग का फोर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बटा में एक लगा लेंगे या छोड़ भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, एक के पारा में चार कितने मर्द में चार मर्द में, तो फोर एक्स स्क्वायर बच्चों चार के पारा में चार एक मर्द में, तो हम लोग का आएगा एक्स प्लस चार के पारा में चार कितने मर्द में एक मर्द में, तो यहाँ पर आएगा वन इक्वल टू में जीरो लगा लेंगे बच्चों और बाटा में एक, और बाटा में एक क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर देंगे बच्चों, क्रॉस गुणा फोर एक्स स्क्वायर वन में इतना से गुणा करें तो उतना ही आएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस का वन इक्वल टू में क्या जीरो, क्या जीरो। तो बहुपद ज्ञात करना है चूंकि बहुपद में इक्वल टू के बाद कुछ नहीं होता है, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन, अगर जीरो हम लोग हटा देंगे इसको तो बच्चों हम लोग का होगा बहुपद, क्या हो जाएगा
बहुपद। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट, यह है हम लोग का लास्ट। अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 4, कमा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बच्चों 1, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल, सूत्र ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बच्चों 4, 4 इंटू क्या है x, ओके। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बच्चों 1 है बच्चों। चले ये आंसर ऐसे ही आ गया, इतना ही इसका आंसर होगा, इतना ही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार हम लोग 2.2 समाप्त करते हैं बच्चों। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।